सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस और रियल एस्टेट की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्लैट में या प्लॉट में निवेश करना कौन सा ज्यादा सही है, दोनों का एक कंपैरिजन देखेंगे। काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने इसके बारे में ऑलरेडी रिक्वेस्ट करी है, तो इस वीडियो में हम रिटर्न्स देखेंगे कि फ्लैट में या प्लॉट में किस तरीके के रिटर्न्स आते हैं, दोनों के रिस्क्स क्या क्या हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं दोनों के लिए। अगर आपने मेरे वीडियोज नहीं देखे हैं कि प्लॉट में कैसे निवेश करते हैं तो वो वाला वीडियो देखिए, अदरवाइज रेडी टू मूव प्रॉपर्टी और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इनके बारे में भी मैंने डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं, आप वो वाले वीडियोस जरूर देखिए। तो इस वीडियो के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेसेस के अंदर नहीं जाएंगे, हम खाली फोकस करेंगे रिस्क क्या क्या है और रिटर्न्स किस तरीके के आते हैं फ्लैट और प्लॉट के अंदर। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं फ्लैट एज एन इन्वेस्टमेंट और प्लॉट एज एन इन्वेस्टमेंट, किस में निवेश करना ठीक रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो फ्लैट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है मॉडिफाई करने की या अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करने की, क्योंकि अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो वहां पे जैसे भी कंस्ट्रक्शन हुई है, जिस तरीके के भी इंटीरियर्स हुए हैं, आपको एज इट इज एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, आपके पास ज्यादा स्कोप नहीं होता है चेंज करने का। प्लॉट की अगर हम बात करें तो आप अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं जैसे मर्जी, क्योंकि आप ही का प्लॉट है, आप अपने हिसाब से लेआउट डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन फ्लैट के केस में अगर आप बिल्डर फ्लैट के साथ भी जाते हैं तो बिल्डर अपने हिसाब से अपने डिजाइन के हिसाब से बनाता है, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में भी कोई डिजाइन चेंज करने का आपके पास ज्यादा स्कोप नहीं होता है। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। रिटर्न्स में फ्लैट्स के अंदर काफी मॉडरेट रिटर्न्स आते हैं, हाँ डेफिनेटली आपके FD वगैरह से तो बेटर रिटर्न्स हो जाते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि हर साल आपको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 20 से 25 साल की जब हम एवरेज निकालते हैं, अगर हम पिछले 20 से 25 साल के एवरेज देखें तो आपको 8 से 12% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। अलग अलग एरिया पे डिपेंड करता है ये, किसी सिटी के अंदर कम, किसी सिटी के अंदर ज़्यादा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं, ज़्यादा अच्छे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स आए हैं वहाँ पे थोड़े ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाते हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा आता है। तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के अंदर आपको आराम से 8 से 12% पर एनम के रिटर्न्स मिल जाते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अगर टाइम पे आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, ये 15% के तक के रिटर्न्स भी आराम से मिल सकते हैं आपको, क्योंकि जो इनिशियल ईयर्स होते हैं उसमें जब कोई जगह डेवलप हो रही होती है वहाँ पे रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। अब प्लॉट के देखते हैं रिटर्न्स, प्लॉट के अंदर आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाते हैं, 15 से 20% के पर एनम रिटर्न्स मिल जाते हैं, 15 से 20%। अब यहाँ पे भी मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि हर साल मिलेंगे आपको, तो ये भी 20 से 25 साल की हम एवरेज निकाल रहे हैं। जैसे अब हम अगर स्टॉक्स की बात करते हैं, राइट, तो स्टॉक्स के अंदर हम कहते हैं कि पिछले 30 से 40 सालों के अंदर 17% के एवरेज रिटर्न्स आए हैं, राइट। तो ये स्टॉक्स के भी कोई ऐसा नहीं है कि हर साल 17% आएंगे, राइट। तो इसमें भी ये होता है कि किसी साल आपके 25% 30% 35% के रिटर्न्स आ जाते हैं, किसी साल 5% के रिटर्न आते हैं और किसी साल तो स्टॉक्स नीचे भी चले जाते हैं। तो सेम चीज़ है प्लॉट्स के अंदर भी और फ्लैट्स के अंदर भी। तो रियल एस्टेट मार्केट कभी डाउन भी हो जाती है, एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है ये, तो कभी ये फ्लैट भी हो जाते हैं, ये 0% के रिटर्न्स भी रह जाते हैं और किसी साल ये 20-25% के रिटर्न्स भी चले जाते हैं। तो एवरेज की अगर हम बात करें तो फ्लैट्स के रिटर्न्स आपको कम मिलते हैं प्लॉट्स के मुकाबले। फ्लैट्स में आप पकड़ के चलिए 8 से 12% के आपको रिटर्न्स मिलेंगे और प्लॉट्स के अंदर आपको 15 से 20% के रिटर्न्स मिलेंगे प्लॉट्स के अंदर। लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, जहाँ पे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स आ रहे हैं वहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, और अगर कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है तो वहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कई सालों तक वहाँ कोई ग्रोथ ना हो। अब इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना रखा है कि प्लॉट कैसे खरीदें, आप वो वाला वीडियो देखिए, और मैंने रेडी टू मूव प्रॉपर्टी और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के बारे में भी डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि हमारा पूरा प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके के रिस्क आपको अवॉइड करने चाहिए, हम खाली यहाँ पे रिटर्न्स देख रहे हैं और रिस्क देख रहे हैं और बेनिफिट्स देख रहे हैं दोनों के, राइट। अब रिस्क की बात कर लेते हैं फ्लैट्स के अंदर। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के अंदर सबसे कम रिस्क होता है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास बिल्डर के का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप खुद से अपना ड्यू डिलीजेंस कर सकते हैं। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, और ये मेनली जो रिस्क होता है ये डिले का होता है, कंस्ट्रक्शन का डिले हो जाता है, बिल्डर टाइम पे हैंडओवर नहीं करता है,
तो आपको जो इंटरेस्ट पे करना है, अगर आपने होम लोन लिया है तो इंटरेस्ट की कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है, प्लस जो आप रेंट दे रहे हैं जहां पे भी आप रह रहे हैं, वो दोनों कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ जाती है। तो ये थोड़ा सा रिस्क अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में होता है, लेकिन आप अगर बिल्कुल मिनिमम रिस्क पे जाना चाहते हैं तो आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। फिर प्लॉट के अंदर रिस्क से ज्यादा होते हैं, इनफैक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से भी ज्यादा होते हैं मैं कहूंगा, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ा रिस्क होता है टाइटल का रिस्क। यहां पे पता नहीं चलता है कई बार कि टाइटल क्लियर है कि नहीं प्रॉपर्टी का, अप्रूवल मान लो किसी ने नहीं लिया है, मान लीजिए वो कोई बंदा कह रहा है कि मैंने रेजिडेंशियल के लिए मैं प्लॉट काट के बेच रहा हूं, और हो सकता है वो आपको एग्रीकल्चरल लैंड बेच दे, राइट। एंक्रोचमेंट का एक काफी बड़ा रिस्क होता है, अगर आप जिस एरिया में आप प्लॉट खरीद रहे हैं वहां पे अगर आप रेगुलर विजिट नहीं कर सकते हैं तो वहां के लोकल्स, कई बार कोई लैंड माफिया होता है वो एंक्रोच कर सकता है लैंड को। तो इस तरीके के रिस्क अगर आप हैंडल नहीं कर सकते हैं तो आपको प्लॉट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, आपकी वर्किंग लाइफ है, अगर आप प्लॉट इन्वेस्टमेंट मैनेज नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए फ्लैट इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगा। तो ये सारे रिस्क मैंने काफी डिटेल में डिस्कस करे हैं और उनको किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में हमने इन वीडियोज में डिस्कस किया है, और प्लॉट कैसे खरीदें के ऊपर मेरा एक वीडियो है, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने ये सारे रिस्क डिस्कस करे हैं और किस तरीके से हम उन रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रेंटल इनकम की। अगर आप चाहते हैं कि मेरी इमीडिएटली रेंटल इनकम बन जाए तो आपको फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्लैट में आपकी इमीडिएटली रेंटल इनकम बन जाती है, प्लॉट के अंदर रेंटल इनकम नहीं बन पाती है। या तो अगर प्लॉट को आप कंस्ट्रक्ट करके फिर रेंट पे देते हैं तो फिर वो प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन हो जाता है, हम यहाँ खाली प्लॉट की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। क्योंकि प्लॉट के ऊपर अगर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपकी वैसे ही कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाएगी, तो वो तो एक तरीके से फ्लैट के अंदर इन्वेस्ट करने वाली ही बात हो जाती है, वो बिल्ट अप प्रॉपर्टी हो जाती है। फिर अब हम टैक्स बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। टैक्स बेनिफिट्स में फ्लैट में आपको दोनों में बेनिफिट मिल जाता है, अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको प्रिंसिपल में भी बेनिफिट मिल जाता है, प्रिंसिपल रीपेमेंट आप जो करेंगे उसको आप सेक्शन 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं, और सेक्शन 24 के अंदर आप इंटरेस्ट पेमेंट को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन प्लॉट के केस में टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं अगर आप खाली प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं तो। टैक्स बेनिफिट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, और वो भी जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, राइट। कंप्लीट होने के बाद ही आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वही बात हो गई कि अगर टैक्स, अगर आपने कंस्ट्रक्शन कर ली तो वो बिल्ट अप प्रॉपर्टी हो गई, अगर हम यहाँ पे खाली प्लॉट की ही बात कर रहे हैं तो नो टैक्स बेनिफिट्स। तो आप ये मान के चलिए कि खाली प्लॉट की इन्वेस्टमेंट में आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक लोन फ्लैट के केस में काफी आसानी से मिल जाता है और लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं। होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो लोएस्ट होता है, राइट। और इसके अंदर अब आपको, क्योंकि लोन काफी आसानी से मिल जाता है और 90% प्रॉपर्टी की कॉस्ट तक का आपको लोन मिल जाता है, इसीलिए आपको अपफ्रंट कैपिटल नहीं चाहिए होती है, राइट। तो मान लीजिए अगर आप 50 लाख का कोई फ्लैट खरीद रहे हैं तो 45 लाख तो आपको लोन ही मिल जाएगा, तो आपको अपनी जेब से खाली 5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। लेकिन प्लॉट की इन्वेस्टमेंट के लिए लोन आपको आराम से नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है तो मैक्सिमम आपको 60-65-70% तक मिलता है। तो इसीलिए आपका एक तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है क्योंकि प्लॉट थोड़ी सी रिस्कियर इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, और दूसरा अपफ्रंट कैपिटल आपको थोड़ी सी ज्यादा चाहिए। मान लीजिए अगर आप लेट से कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो 50 लाख का अगर प्लॉट है तो आपको 50 लाख या तो अपनी जेब से पूरे के पूरे डालने होंगे, और अगर बाई चांस आपको लोन मिलता भी है तो मैक्सिमम 30 लाख तक का लोन मिलेगा, राइट। तो इसमें आपको देखिए 20 लाख अपने आप पास से अरेंज करने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास कम अमाउंट है राइट नाउ और आप वर्किंग क्लास हैं तो आपके लिए बेटर है कि आप फ्लैट में इन्वेस्ट कर लें। लेकिन अगर हाँ आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं और रिटर्न्स थोड़े से बेटर एक्सपेक्ट करते हैं तो प्लॉट का इन्वेस्टमेंट काफ़ी सही रहता है। अब लास्टली हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। फ्लैट्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो सिक्योरिटी काफ़ी हाई होती है क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है और वहाँ पे 2 tier और 3 tier सिक्योरिटी होती है, गार्ड्स वगैरह रहते हैं, कैमरा वगैरह रहते हैं। लेकिन प्लॉट की इन्वेस्टमेंट में सिक्योरिटी कम होती है तो एंक्रोचमेंट के एक तो चांसेस बढ़ जाते हैं, और दूसरा जब अगर आप वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन भी करते हैं अगर वो गेटेड कम्युनिटी नहीं है तो वहाँ पे सिक्योरिटी का रिस्क हमेशा रहता है। तो इन बातों का आप थोड़ा सा ख्याल रखिए। यहाँ पे हम सिंपल कहें अगर 2 points सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, रिटर्न्स और रिस्क। तो अगर आप रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं और आप मॉडरेट रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं चाहिए बट मेरे रिस्क कम होने चाहिए, तो आप फ्लैट में इन्वेस्ट कीजिए। स्पेशली अगर आप वर्किंग क्लास हैं, आप ज़्यादा टेक केयर नहीं कर सकते हैं,
अदरवाइज अगर आपको ज्यादा रिटर्न्स चाहिए और आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आप प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड, तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। मैं हर रोज इसी तरीके के फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यहाँ पे इस चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। तो आपने इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।